आत्म बंधी आस पिया मन तन लगे वचन कहे श्री महामती कौन आवही इत हुकम खसम के बीन इत हुकम खसम के बीन। विरह के प्रकरण राग देशांकी तलफे तारुनी रे अक्षराती धाम धनी। इस कलश की वाणी के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए वो मार्ग दिखा रहे हैं कि छठे दिन की लीला में हर ब्रह्मात्मा को अपनी आत्म जागृति के लिए करना क्या है। हफ्से का दृश्य है, मिराज का तन हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मिराज के हृदय में एक ही तड़प है कि मेरा अक्षरातीत मेरे सामने आए। देवचंद सिंह के तन के दृश्य होने के पश्चात बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बैठाया जाता है और आप जानते हैं बिहारी जी महाराज के अंदर परमधाम की आत्मा तो है लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उनके पास नहीं है। अक्षरातीत की बैठक बातिनी रूप से मिराज के धाम हृदय में है ही लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है। मिराज को स्वयं पता नहीं कि मेरे अंदर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। अब उनको विरह की भट्टी में तपाना है मूल स्वरूप के द्वारा। आ विशु की अंग में श्वास बिछोड़ो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। वहां हफ्से में राज श्री मिराज तारतम मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, सेवा पूजा आरती नहीं कर रहे हैं, वो विरह की अवस्था है। विरह किसको कहते हैं? विरह गतिरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी होई या मीन बिछड़ी जल थे या गत जाने सोई। मछली से पूछिए विरह कैसा होता है वो क्या बताएगी कि विरह कैसा होता है। रास ग्रंथ में एक चौपाई आती है, जारे दिवे सुन सुहाग तारे पतंग पाम्यो वैराग का झपावे उलवी आग का कयानो करे त्याग। पतंगे का सुहाग होता है अंधेरा, जब दीपक जलता है तो अंधेरा मिट जाता है। पतंगा सोचता है कि इस दीपक ने मेरे सुहाग को नष्ट कर दिया, अब या तो मैं इस दीपक को बुझा दूंगा या स्वयं बुझ जाऊंगा। पतंगा अपने सुहाग अंधेरे के बिना रहना नहीं चाहता। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, जुओ जीव तड़ी ए रीत नौ मुके अंधेरनी प्रीत धनी अमारो अक्षरातीत अमे तो ही न सक्या पति। एक नादान पतंगा अपने सुहाग के बिना रहना नहीं चाहता और हमारा जीव क्या इतना निष्ठुर हो गया है कि हम राज्य के दीदार के बिना भी जी रहे हैं। जब यह अवस्था आ जाए कि धाम धनी के दीदार के बिना रहना ही नहीं एक पल भी कठिन लगे तो समझ लीजिए कि वो अवस्था कहलाती है विरह की अवस्था। विरह में न उठा जा सकता है न बैठा जा सकता है, शरीर से वो परे की अवस्था होती है। कोई चिंता नहीं कि हमने क्या किया है। वैसे संसार का प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लें और इसको पाने के लिए वो तरह तरह की कष्ट साध्य साधनाओं को अपनाता है। कहीं कहीं सुनने को में आता है कि भोजन बंद कर दिया जाए तो राज्य का दर्शन हो जाएगा, बात यह नहीं है। अति सर्वत्रम वर्जित, बहुत अधिक भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी, आप ध्यान भक्ति के योग्य नहीं हो सकते। भोजन बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए गीता में क्या कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण ने, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार हो और विहार भी हो। युक्त आहार विहार का तात्पर, बहुत अधिक भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी, तमोगुण की वृद्धि होगी। भोजन बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, परिणाम यह होगा कि जठराग्नि जब प्रबल होगी तो आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ा देगी, आपका मन चंचल हो जाएगा,
राजकुमार सिद्धार्थ से यही भूल हुई थी। आप जानते हैं राजकुमार सिद्धार्थ जब साधना करने बैठे तो उन्होंने अन्न का एक एक दाना ग्रहण करना शुरू किया। श्री महाराज तो पैसे भर अन्न लेते थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अन्न का एक दाना खाया और कभी कभी ऐसा होता था कि कई दिनों तक वो भी नहीं होता था। हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही हैं सिद्धार्थ के तन में, लेकिन उनका मन चंचल था। निरंजना नदी में स्नान के लिए गए, लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। भिक्षा मांगने के लिए भी शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी। उधर सुजाता खीर लेकर के आती है और उनके मुख में डाल दे देती है। यदि थोड़ी सी और देर हो गई होती तो सिद्धार्थ के प्राण निकल जाने वाले थे। सुजाता की खीर ने सिद्धार्थ के प्राण बचाए। अब उनको लगा सिद्धार्थ को एक कुंजी मिल गई कि यह जो मैं जबरन हट कर रहा हूँ, शरीर को भोजन नहीं दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसे साथ लक्ष्य में व्यवधान पैदा हो रहा है। क्योंकि सुजाता की खीर आने के बाद वह राजकुमार सिद्धार्थ दृढ़ संकल्प करता है, इह आसने सुस्यत्वा शरीरम त्वक अस्थि मांसम विलयम प्रयात। इस आसन पर बैठे बैठे चाहे अब हड्डी सूख जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। यह दृढ़ संकल्प सिद्धार्थ को चरम लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ता विवेक पूर्वक होनी चाहिए। अविवेक, जल्दबाजी या किसी उत्तेजना में लिया गया निर्णय कभी सार्थक नहीं होता। सिद्धार्थ को कानों में ये आवाज़ सुनाई पड़ी थी वीणा के स्वरों को सुनकर कि यदि उसके तारों को ढीला कर दोगे तो बचेंगे नहीं, और बहुत कष्ट दोगे तो टूट जाएंगे। इसी तरह से अति किसी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। युक्त आहार विहारस योग किसको कहते हैं? समत्वम योग उच्चते। समत्व आमतौर पर देखा जाता है कि लोग उपवास रखते हैं, किस लिए? शरीर की शुद्धि के लिए। और शाम को जब उपवास तोड़ते हैं तो पहले से ज़्यादा खा जाते हैं, आधा लीटर दूध पी जाएंगे, फलाहारी पूड़ी पकौड़े खा जाएंगे, फल खा जाएंगे, इससे अच्छा तो उपवास न रहते, वो ठीक था। यदि कोई हट करके बैठ जाए कि महाराज को 6 महीनों के अंदर दर्शन हो गया, हमें भी भोजन नहीं करना है, हमें भी हड्डियों को गला देना है, तो राज्य मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप यह देखिए कि महाराज पूर्व जन्म में राजा मरु के जीव रह चुके हैं और हिमालय के कलाप ग्राम में रह चुके हैं। अपने हृदय के विकारों को उन्होंने पहले धो लिया होता है। एक छोटा सा पर्दा पड़ा था, उसको इस हफ्ते में समाप्त कर देना होता है। महाराज के तन से भी कसौटी काफी कराई जा रही है। उन्होंने भी भोजन बहुत कम कर रखा है, क्योंकि जो एक सामान्य उपासना पद्धति होती है वो विरह में नहीं होती। अभी गीता का मैं उदाहरण दे रहा था, युक्त आहार विहारस्य। बहुत अधिक खाने वाले से भी साधना नहीं हो सकती। भोजन बिल्कुल छोड़ देने से भी नहीं होगी, क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाती है। सत्व रज तम के बंधन ने हमारे जीव को माया में बांध रखा है। हमें तमोगुण और रजोगुण को पहले छोड़ देना है, और प्रेम में डूबते डूबते सत्वगुण को भी छोड़ देना है, क्योंकि जब दर्शन होगा, समाधि अवस्था प्राप्त होगी, तो उसमें सत्वगुण भी नहीं रह जाएगा। लेकिन सत्वगुण की साधना हमें करनी पड़ेगी। सुंदर साहब कई तरह के पद्धतियाँ नदानी में कर लेते हैं। एक बार पन्ना जी में मंच लगा था, एक महाराज जी थे, कहने लगे कि मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं घुमट जी के पीछे बैठ गया और कहा कि राज जी, यदि 3 दिन में आप दर्शन नहीं देते हो तो मैं इस धर्म को छोड़ दूंगा। और 3 दिन मैंने भोजन नहीं किया, 3रे दिन साक्षात श्री जी प्रकट हो गए और मुझे गले लगा लिए और फिर जयकारा बोलने लगे। उनके इन शब्दों से नहीं लगता कि उनको राज जी का दर्शन हुआ होगा, क्योंकि जो उस अवस्था में पहुंचेगा, इस तरह से माइक पर बोल करके जयकारे लगाना नहीं शुरू कर देगा। तमोगुण उनमें काफ़ी भरा हुआ है आज भी। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक आप सत्वगुण में स्थित नहीं होंगे, तब तक आपका मन शांत होगा ही नहीं। रजो रागात्मकम विद तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण में राग है और उससे तृष्णा उत्पन्न होती है।
तमोगुण में निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, मोह है, अंधकार है। रज में क्रिया है, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। सत्वगुण में ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, भक्ति है। लेकिन जब इसको उल्लंघ जाएंगे तब आपको प्रीतम का दीदार होगा। सत्वगुण में आने के लिए क्या है, आप भोजन उतना कीजिए जिसमें शरीर चलता रहे, शरीर इतना निर्बल न हो जाए कि बैठने की शक्ति न रहे। लेकिन एक बात याद देखेंगे, जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उनका भोजन अतिशय सात्विक होता है। सुंदर साथ एक बहाना कर लेते हैं, क्योंकि भोग जब गाया जाता है तो उसमें अनेक अथाने और तरह तरह के पदार्थ लिखे रहते हैं। सुंदर साथ को बहाना मिलता है कि जब श्री जी अचार खाते थे तो हमको क्यों रोका जा रहा है। श्री जी क्या करते थे यह आपका विषय नहीं है। जैसे सुंदर साथ ने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की देखा देखी गांजा पीना शुरू कर दिया, यह तो नहीं सोचा कि जो शक्ति उनके पास है वो शक्ति क्या हमारे पास है। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, जो वो करते हैं उनके कार्यों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शक्ति हमारे पास नहीं होती है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का भोजन कितना संयमित था, कितना अल्प था, ये जो उनके नज़दीकी रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यदि हम किसी मंदिर में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, वहाँ सब्जी के ऊपर लाल मिर्चा तैर रही, मिर्च तैर रही हो, तेल तैर रहा हो, खट्टे पदार्थ डाले हों, गरम गरम चाय और काफ़ी के प्याले हलक में उलेर रहे हों, और आंखें बंद करके बैठ जाएं और सोचे कि हमारी सुरता लग जाए, मूल मिलावे को देख ले, तो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं करा सकता। आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है, वाणी में क्या लिखा है, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। आप मन वाणी कर्म से किसी का दिल न दुखाइए। आहार निर्गुण, निर्गुण आहार का तात्पर्य क्या, पूर्णतया सात्विक आहार। जब तक आपके आहार में सात्विकता नहीं होगी आपका आसन ही नहीं जमेगा, मन भागता रहेगा, और कहीं ना कहीं ये भागता हुआ मन आपको धनी के चरणों में जाने नहीं देगा। तभी तो कहा है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही दिखावे सत्साहबी, मन ही करे फजीत। अब है युक्त विहार। विहार का तात्पर्य क्या है, बहुत अधिक सोएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, बहुत अधिक जगे रहेंगे कि नहीं मुझे दिन रात रात भर जगे ही रहना है, तो ये भी उचित नहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा, बहुत अधिक परिश्रम करते रहेंगे, शारीरिक परिश्रम, तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और केवल लेटे रहेंगे कि हमें केवल ध्यान करना है, कुछ आसन नहीं करेंगे, शरीर को हिलाएं डुलाएंगे नहीं, तो भी आपको रोग हो सकता है। इसलिए कर्म चेष्टा शारीरिक परिश्रम भी युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख, बहुत निद्रा और बहुत जागृति दोनों ही घातक है। अधिक नींद का सेवन करेंगे तामस पैदा हो जाएगा, और जगे रहेंगे तो शरीर में विकृति आ जाएगी। लगातार 48 घंटे आप जग जाएंगे तो हानिकारक है, समाधि में 48 घंटे बैठे रहेंगे कोई नुकसान नहीं। अब इंद्रावती जी की जो हफ्से में स्थिति है वो विचित्र प्रकार की स्थिति है, जिसका वर्णन यहाँ होने जा रहा है। तल्फे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। तारुणी किसको कहते हैं, तारुणी का रूप है तारुणी। तारुणी यानी अर्धांगनी युवती। मैं कौन हूँ, प्राणेश्वर अक्षरातीत की अर्धांगनी हूँ। मिराज को अपना ये मिराज का तन नहीं दिख रहा है, मिराज को एक ही भाव है, मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ और मेरा प्रीतम जो मूल मिलावे में विराजमान है। जो सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी के तन में लीला कर रहा था वो मेरे सामने आए। इसके लिए उन्होंने कोई मंत्र जप का अनुष्ठान नहीं किया है, किसी चौपाई का पाठ नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक तो वाणी उतरी ही नहीं थी। अब हफ्से से उनके तन से वाणी का अवतरण होना है, उस तन को अक्षरातीत की शोभा मिलनी है, तो वीरा की कसौटी पर तो अपने को खरा सिद्ध करना पड़ेगा, मछली की तरह तड़पना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस से पूछा था विवेकानंद ने, गुरुदेव बताइए क्या परमात्मा का दर्शन मैं भी कर सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं इसका उत्तर तुम्हें दे दूंगा।
एक दिन सरोवर में ले गए, स्नान करते समय विवेकानंद को पकड़कर सरोवर में डुबोने लगे। विवेकानंद जब ऊपर आते पानी के, फिर रामकृष्ण परमहंस पकड़कर सिर डुबो देते। विवेकानंद को लगा कि अब तो प्राण निकल जाएंगे, तब पानी से ऊपर उठाया और हंसते हुए कहा कि नरेंद्र तुम्हें कैसा लग रहा था पानी में? विवेकानंद बोले कि गुरुदेव मत पूछिए, लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो, जब हृदय में इतना दर्द पैदा हो जाए, इतनी पीड़ा हो जाए कि अब राज्य नहीं मिले तो इस शरीर का रहना निरर्थक है, तो समझ लेना कि अब राज्य के दीदार होने की घड़ी आ गई। इसका मतलब ये आप मत लगा लीजिए कि हट करके एक ही दिन बैठ जाएं कि आज ही मुझे दर्शन करना है। आप जानते हैं ना, आप नीचे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो साफ सुथरा आसन बिछा कर ही तो बैठे हैं। जिस हृदय को सिंहासन बनाना है अक्षरातीत के चरण कमलों का, जिस हृदय की सैया पर उन्हें विश्राम करना है, उसमें कालिमा कहीं रह जाएगी तो धनी का सिंहासन कैसे सजेगा? इसलिए विरह की अग्नि में जलाया जाता है। और जिसने विरह की अग्नि में जला लिया, उस पर दुनिया का नियम कानून लागू नहीं होता कि इन्होंने इतने पाप किए हैं, और इतने पापों का जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक राज्य नहीं मिलेंगे। राज्य ने ब्रह्मसृष्टियों के लिए विशेष संशोधन कर दिया है, उन पर प्रकृति के सारे नियम लागू नहीं होते। यदि आप कैवल्य की मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने चित्त को निर्विकार करना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मसृष्टि के लिए केवल इतना है, उसके हृदय में समर्पण आ जाए, श्रद्धा आ जाए, हृदय प्रेम में लबालब डूब जाए, भले ही उसके अंदर कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ अग्नि दबी पड़ी हो, लेकिन प्रेम उस पर भारी पड़ जाता है और विकारों के रहते हुए भी ब्रह्म सृष्टि को राज्य अपना दर्शन दे सकते हैं। जीव सृष्टि को यह सौभाग्य नहीं मिला था, नारायण की बनाई हुई इस सृष्टि में यह नियम कभी भंग नहीं हुआ था। जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुआ, जन्म जन्मांतरों के चित्त के संस्कार दग्ध नहीं हुए, तब तक किसी को भी समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन राज्य ने ब्रह्मसृष्टियों के लिए इस नियम को तोड़ दिया है। आप विकार ग्रस्त होकर भी अपने हृदय में प्रेम भर लेंगे तो आपको दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, मार्फत की अवस्था पर रोक लगा दी जाएगी। आपको परमहंस अवस्था पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। परमहंस अवस्था को पाने के लिए आपको तो शुद्ध होना ही पड़ेगा, लेकिन दर्शन में एक छूट मिल जाएगी कि इस दर्शन को पाकर आप अति विश्वास के साथ राज्य के प्रेम में डूबना और शुरू कर देंगे। हो सकता है कई सुंदर साथ को प्रारंभिक चरण में ही राज्य के दर्शन मिल जाए, लेकिन उसी से संतोष करके नहीं बैठना जाना चाहिए, क्योंकि वह आपको जो दर्शन कराया गया है वो विशेष कृपा के द्वारा कराया गया है, ताकि राज्य से आपकी प्रेम की धारा अखंड बनी रहे और उस प्रेम की धारा का रस स्वादन करके उस परम तत्व तक पहुँचना है जहाँ आप और आपके धाम धनी के बीच में किसी तरह का पर्दा न रह जाए। यह जो दुल्ही शब्द है, होना चाहिए दुल्हा दुल्हे, पहले आजकल की तरह छपाई तो होती नहीं थी। जितने स्वरूप साहब होते थे सभी हस्तलिखित होते थे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। और यह भी समझिए कि श्री जी ने एक भी चौपाई अपने हाथ से नहीं लिखी है। जब राज्य का आवेश प्रकट होता है तो उनके तन मुख से वाणी का प्रवाह उमड़ना शुरू हो जाता है और जो सुंदर साथ वहाँ उपस्थित रहते थे लिखना शुरू कर देते थे। लिखने वाले से भूल हुई हो या उसकी कॉपी करने वाले से भूल हुई हो, किसी से भी हो सकती है, कहीं कहीं कुछ शब्दों में त्रुटि रह जाती है। दुल्हिन यहाँ शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि तारुणी शब्द है, तल्फे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे, ऐसा लिखा है। जो दिल देगा वही तो तड़पेगा। दिल देने वाला कौन है? आशिक। उसने अपने मासूक के लिए अपना दिल दे दिया है और वो अपने मासूक का दीदार करना चाहता है। यहाँ तड़पने वाला कौन है? मिराज की के अंदर इंद्रावती की जो आत्मा है वो तड़प रही है। किसका दीदार करना चाहती है? अपने दुल्हा श्री राज जी का, अपने प्रीतम श्री राज जी का। तो इस शब्द क्या होना चाहिए? दुल्हे। दुल्हे को दुल्ही हो गया है, दुल्हिन नहीं हो सकता, इसलिए दुल्हे ही मानना पड़ेगा।
लेकिन जब किसी हस्तलिखित में दुल्ही शब्द आ गया तो सबने उसी की ही कॉपी करनी शुरू कर दी, और आज भी वाणी में ऐसे ही शब्द हैं। कहने का से क्या है, कोई तड़पता है किसी के लिए तब जब अपना दिल उसको दे देता है, और दिल देने के बदले क्या चाहत होती है, वह भी अपने दिल में जो प्रेम रखा है वो प्रेम मुझे दे दे। कल भी मैंने कहा था कि हम सुंदर साथ भले ही वाणी पढ़ लें, भले ही सेवा पूजा कर लें, भले ही चितवनी कर लें, कहीं ना कहीं हम अपना दिल राज्य को नहीं दे पाते। एक सूफी फकीर हुई है राविया, उसने दावे से कहा है कि अल्लाह ताला को पाना कुछ भी कठिन नहीं है, बस हथेली पर दिल और आंखों में आंसू कर लो, अल्लाह ताला मिल जाएगा। हथेली पर दिल का तात्पर्य क्या है, इस दिल को अपना दिल ना मान लो, वो सौंप दो अपने धाम धनी के चरणों में। ये मेरी आत्मा क्या है, उन्हीं के दिल का तो स्वरूप है, उनका दिल उनका, फिर मैं का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जब मैं नहीं रहेगा तो ये संसार भी नहीं रहेगा। ये संसार कहाँ तक है, जब तक मैं है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। परात्म की मैं आपकी आएगी कि परात्म धनी का तन है, तो इस संसार की मैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। वही बात कही जा रही है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, मेरे प्राणेश्वर इच्छातीत आपको अपना हृदय देकर, आपकी ब्रह्मांगना आपकी अंगना मैं इंद्रावती तड़प रही हूँ। कैसे, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, जल जीवन है मछली का, मछली को निकाल दीजिए पानी से तो तड़प तड़प कर वो प्राण छोड़ देती है। हम मोह सागर की मछली बन गए हैं, अब थे कौन, हौज कौशर की मछली आज मोह सागर का अभिनय कर रही है। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कौशर की मछली तिन हयाती वजल। हमें घूमना चाहिए हौज कौशर में, हम कहाँ घूमते हैं, मोह सागर में। जो जन्म से ही मोह सागर की मछली है, खारे जल की मछली को उसमें से निकाल कर दूध में डालेंगे तो क्या होगा, वो कूद करके या तो मर जाएगी या फिर चाहेगी कि मैं उसी खारे जल में चली जाऊं। लेकिन आप तो हौज कौशल में क्रीड़ा करने वाले हैं, पाक न हो ये इन पानिए चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। हक का जमाल क्या है, हक का सौंदर्य क्या है, हक के जमाल में नहाने का तात्पर्य क्या है, हम शरीर को स्थिर कर दें, मन को स्थिर कर दें और राज्य के सौंदर्य को देखें। सौंदर्य छोटा सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य है कैसा युगल स्वरूप का माथा है, कैसा राज्य के घुघराले बाल हैं, चरण कमलों की लाल एड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, हथेलियाँ कितनी सुंदर हैं, लाल लाल नाखून कैसे आए हैं, होठ कैसे आए हैं, ठुड्डी कैसी आई है, गाल कैसे आया है, दोनों कान कैसे दिख रहे हैं, हृदय कमल कैसे आया है, दोनों बाजूबंद कैसे दिख रहे हैं। इनके अलौकिक सौंदर्य में हमें अपने को डुबो देना है, इस तरह से कि हम खुद को यह न समझ पाए कि हम कौन है, केवल एक ही भावना रह जाए कि मेरा प्रीतम केवल तू है। यह प्रयास करते करते हमारे अंदर से रजोगुण और तमोगुण समाप्त होते जाएंगे, जन्म जन्मांतरों की विषय वासनाएं दग्ध करके राख हो जाएगी। एक समय ऐसा रहेगा जब केवल आपकी आत्मा रह जाएगी दृष्टा के रूप में, और आपका प्राणेश्वर रह जाएगा, आपका तन इस संसार में रहेगा, आपके हृदय मंदिर में दर्शन हो रहे होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आप मूल मिलावे में पहुंचे हुए हैं। आपको मूल मिलावा उसमें प्रत्यक्ष दिख रहा होगा, युगल स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहे होंगे, आपको अपनी आत्मा भी दिख रही होगी पर आत्म भी दिख रहा होगा, लेकिन सब कुछ होता हुआ पल भर में हो जाएगा। जैसे खुली आंखों से आप संसार देख रहे हैं, आंखें तो आपकी बंद होगी, लेकिन बंद आंखों से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि अंतर की आंखों से युगल स्वरूप दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं दीदार, सर्वते दीदार, मधुर दर्शन। इसको पाने के लिए इंद्रावती जी की आत्मा हफ्से में विरह में तड़प रही है, दिल उनका अब नहीं है। मिहराज को कोई पद नहीं चाहिए, न गादीपति का पद चाहिए, न किसी सत्ता का कोई सुख चाहिए, केवल क्या चाहिए,
प्रीतम मेरे सामने आए, अन्यथा ये शरीर अब समाप्त हो जाएगा। क्या विरह की स्थिति है उसको अब सुनिए। सन्मंद मूल जान के रे, ये कब होगा? सन्मंद मूल का जान के रे, आज हमारे समाज ने मूल का संबंध ही भुला दिया है। मूल का संबंध क्या है? हम जिस अक्षरातीत को अपना सब कुछ मानते हैं, उस अक्षरातीत से हमारा संबंध क्या है? हम उनके कौन हैं, वे हमारे कौन हैं? यही तो मूल संबंध हुआ। निस्वत हक की जात है, निस्वत में है इश्क, निस्वत वास्ते इलम इत आया वेशक। निस्वत की महिमा क्या है? जित निस्वत तित सब, जहाँ निस्वत है वहाँ ही सब कुछ है। कैसे? आप बीतक में सुनते हैं, देवचंद जी खोज के लिए जा रहे होते हैं, बारात के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। देवचंद जी को खोज करना है कि जो मेरा प्रीतम है कैसे मिलेगा। पठान के रूप में राजी आते हैं, उनका सामान भी उठाकर लेकर चलते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक कर देते हैं, लेकिन राजी यह नहीं बताते कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और सारा काम करके अदृश्य भी हो जाते हैं। देवचंद जी पुनः चितवनी करते हैं तो यह देखते हैं कि मैं बांके बिहारी की अर्धांगिनी हूँ, अभी मूल संबंध का पता नहीं। राज्य तब भी आते हैं, निस्मत की का पता तब भी नहीं है। तीसरी बार दर्शन देकर राज्य बता देते हैं कि देखो तुमने ब्रजराज में खेल देखा, जागने के ब्रह्मांड में तुम आए हो, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा है, लेकिन यह तन तुम्हारा देवचंद जी का है। अब मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं को जागृत करूंगा। निस्बत की पहचान दे देते हैं हकीकत में, लेकिन जो निस्बत की मारिफत है वो श्यामा जी को भी नहीं बताते। जब वाणी उतरती है तब निस्बत की मारिफत का पता चलता है। निस्बत की मारिफत जानते हैं क्या है? रब्द क्यों हुआ? निस्बत की हकीकत के पीछे ही तो रब्द हुआ। एक ही राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में है, और सभी कह रहे हैं कि हमारा प्रेम बड़ा है। यह निस्बत की हकीकत है, क्योंकि सभी अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। पानी है, बहता हुआ पानी जब बर्फ बन जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? बर्फ। उसको पानी नहीं कहते हैं, जमा हुआ पानी बर्फ कहलाता है, पिघली हुई बर्फ जल कहलाती है, लेकिन पिघली हुई बर्फ को आप बर्फ नहीं कह सकते और जमे हुए जल को आप जल नहीं कह सकते। एक ही राज्य जब हकीकत में है तो श्यामा जी और सखियों के रूप में है, जब मार्फत में है तो श्यामा जी और सखियों का रूप समाप्त। निस्बत की हकीकत पता चल गई कि मैं श्यामा जी हूँ और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन मारिफत का पता तब भी नहीं चलने देते हैं कि जब तुम ये जानती हो कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ तो तुम 69 पातियाँ क्यों लिखवा रही हो कि हमारे तन से जागनी कराओ, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे कहने से राज्य नहीं सुनेंगे, तो ये जो 69 चिट्ठियाँ लिखवा देंगे तो राज्य दबाव से झुक जाएंगे और हमारे तन से जागनी करवा लेंगे। ये कितनी बड़ी हंसी करवा ली। आज हम सुंदर साथ भी कह देते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं, ये हम निस्बत की हकीकत को जानते हैं। जिस दिन निस्बत की मार्फत को जान जाएंगे उस दिन हमारी आत्मा जान दृश्य पूर्ण रूप से जागृति की तरफ बढ़ जाएगी। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, जो आज जिस पर्दे के कारण हम स्वयं को भूले बैठे हैं, असहाय हुए बैठे हैं, पाठ पूजा में अपने को लगा रहे हैं कि ये इतना पाठ कर लेंगे तो राजी हमारे बेटे को नौकरी दे देंगे। मैंने कई बार चर्चा में कहा है ना, एक बार गुजरात में मैं गया था, शिविर लगा हुआ था, एक सुंदर साथ आया दोपहर के समय, कहने लगा सरकार से मेरी भैंस पहले 12 लीटर दूध दे रही थी अब कम हो कर दी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि ज़्यादा दूध देने लगी। क्या मांगा? 5 लीटर दूध बढ़ा लेगा आशीर्वाद पाकर, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन कहा जाएगा। हम वैसे ही कटोरे लेकर भीख मांगते फिरते हैं राज्य से भी,
हमारे मेहर सागर के पाठ का एक ही उद्देश्य होता है, हमारे पास माया की दौलत बढ़ती रहे ताकि आराम से हम सुखमय जीवन व्यतीत करें और एक प्रतिशत आपको भी देते रहें। यदि करोड़पति होंगे, 1 करोड़ का लाभ हुआ तो 1 लाख दे देंगे तो प्रतिष्ठा भी होगी, 99 लाख हमारे लिए, हमारे पूजा पाठ मेहर सागर का सबका एक ही उद्देश्य होता है, विशुद्ध प्रेम नहीं। हम मार्फत के स्वरूप में प्रवेश नहीं करना चाहते, अपने प्राणेश्वर को देखना नहीं चाहते, कर्मकांडों की राह पर चल पड़े हैं। जैसे दुनिया करती है, शंकर के भक्त करते हैं, देवी के भक्त करते हैं, हनुमान के भक्त करते हैं, हम भी मिठाई के पैकेट चढ़ाकर, बागे चढ़ाकर, पूजा पाठ कर कर या करा कर या नारियल चढ़ाकर यही तो सब मांगते हैं। वाणी क्या कह रही है, तल्फे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे सन्मंद मूल जान के सेज सुरंगी परले। सेज सुरंगी परले, सुरंगी अति सुंदर सज्जा पर अक्षरातीत को मैं बिठाना चाहती हूँ। तारतम वाणी का प्रकाश हमें मूल संबंध की पहचान कराएगा और मूल संबंध की पहचान हुए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देवचंद जी को जब मूल संबंध की पहचान होती है, राज जी यही कहते हैं कि देवचंद तुम्हारे तन से मैं अब लीला करूँगा, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा है, तुम जगह जगह जाकर परम धाम की आत्माओं को उनके मूल संबंध की पहचान कराओ और उन्हें परम धाम की याद दिलाओ कि ये स्वप्न में ही जगत है, स्वप्न में ही जगत तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर मूल मिलावा है। और तुम्हारा प्रियतम कौन है, वही अक्षरातीत जो मूल मिलावे में विराजमान है, जो ब्रज में था, जो रास में था, और वही अक्षरातीत मैं तुम्हारे सामने हूँ जो तुम्हारे तन में बैठकर लीला करने वाला हूँ और इसके पश्चात मैं दूसरे तन में लीला करूँगा। हफ्से में वही अक्षरातीत मिहराज के सम्मुख प्रकट होती है। जब आ विसुखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। पर्दा हटा दिया, इंद्रावती देख युगल स्वरूप तुम्हारे सामने है। कभी देखते हैं तो देवचंद जी दिखाई देते हैं, कभी देखते हैं तो श्यामा जी दिखाई देती हैं, राज्य उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी आंखों से प्रायश्चित झलक रहा है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रोऊं याद कर कर जो मारे हित के बाण। आप जब इस तन में बैठे थे तब तो मैंने पहचाना ही नहीं, अब तो वो समय बीत गया है, बीता हुआ समय कभी भी दोबारा आ नहीं सकता, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा। हम अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करें। हमारी आत्मा इस नश्वर जगत में आने के पश्चात अपने मूल तन को भूल गई है, अपने मूल संबंध को भूल गई है। तारतम वाणी हमें यही दर्शा रही है। तारतम वाणी का मूल लक्ष्य क्या है, मूल संबंध की पहचान। मूल संबंध की पहचान करके मूल स्वरूप का दर्शन। हमारी परात्म का स्वरूप क्या है, हमारी परात्म के मूल प्रियतम का स्वरूप क्या है। आज हम सुंदर साथ तो आप जानते ही हैं मूल स्वरूप से कितना दूर हो चुके हैं, सबका दिल जानता है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, आपका लक्ष्य मूल स्वरूप होने चाहिए। आप किसी परमहंस को देखिए तो उनके धाम हृदय में मूल स्वरूप की भावना लीजिए। किसी मंदिर में जाइए तो बागे क्या हैं, बागे लाल रंग के हैं या हरे रंग के हैं, मुकुट कैसा है, बांसुरी कैसी है, ये आपका विषय नहीं है। उस वाणी के अंदर अक्षरातीत का जन्मे स्वरूप है और वहाँ भी आप भाव रखिए कि हमें युगल स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। जब आप हमेशा अपने हृदय में उठते बैठते सोते जागते युगल स्वरूप की भावना करेंगे, सोते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेकर के सोएंगे, उठते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेंगे, तो स्थिति आपकी ऐसी बन जाएगी कि हर पल आप राज्य के दीदार के लिए तड़पते रहेंगे और यह स्थिति आपको चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसको कहते हैं सेज सुरंगी परले। आपने अपने हृदय को अति सुंदर सज्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया है।